वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मित्रों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप देखिए कि एडेनियम की फलियां निकली हुई थी, इसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, इनको कैसे सेव किया जाता है और प्रकृति हमको बहुत, प्रकृति बड़ी अनमोल चीज़ है। देखिए, हमने एक प्लांट लगाया हुआ था या मैं एक बीज डालती हूँ तो उसके बदले में प्रकृति मुझे कितनी बड़ी सौगात देती है कि मैं उससे बहुत सारे प्लांट्स बना सकूं। तो आज आपको मैं दिखा रही हूं कि देखिए, मेरा ये हाइब्रिड रोजी ब्रांड ट्रिपल पेटल एडेनियम का सुंदर सा फूल है। इसमें ही अभी तक मुझे पता नहीं था मित्रों, अभी तक तो मुझे लगता था कि ये जो नॉर्मल वाला एडेनियम होता है, ये मदर प्लांट है, इसमें बहुत सारी फलियां निकली हुई हैं। ये देखिए, इसमें इतने सारे सीड तैयार होते हैं, मैं कहाँ तक लगाऊं, कितने प्लांट बनाऊं। देखिए कितनी बड़ी बड़ी फलियां निकली हुई हैं और ये एक साथ दो जुड़ी हुई निकलती हैं। देखिए, कम से कम 30-40 फलियां लगी हुई हैं मेरे इस मदर प्लांट्स में और कई प्लांट्स में भी निकली हुई हैं। ये देखिए, एक तो ये देखिए उड़ गया, मुझे पता ही नहीं चला इस पेड़ से, ये देखिए निकल गया, कुछ पता ही नहीं चला कहाँ उड़ गया। इसमें भी बहुत सारी फलियाँ लगी हुई हैं, ये देखिए। अब देखिए, मेरे हाइब्रिड वाले प्लांट में भी फलियाँ निकली हैं। अभी मैंने इनको बांधा है और इसमें बहुत सारी निकलेंगे तो मैं फिर देखिए इसी तरह ऊन लपेट लपेट के मैंने इन फलियों को सेव कर लिया। अक्टूबर के महीने में इनके सीड्स लगाऊंगी और सीडलिंग से तैयार हुए मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, अभी दिखा रही हूँ आपको। इसी प्लांट के सीड से मैंने ये देखिए 3 सीडलिंग तैयार की हैं और ये बिल्कुल अब रिपोर्टिंग के कगार पे आ गई हैं। बहुत सुंदर सुंदर सीडलिंग तैयार हुई हैं। तो आप भी इस तरह अगर आपके गार्डन में एडेनियम के प्लांट में सीड्स निकलते हैं, फलियां निकलती हैं, तो ये देखिए इसी तरह से रस्सी से, तागे से या कोई चीज़ से, ऊन से, ये देखिए बांध लीजिए जिससे हवा में उड़ने ना पाए और सब अक्टूबर या फरवरी के महीने में इनको मिट्टी में लगा दीजिए। फिर एक महीने के अंदर ये सीडलिंग तैयार हो जाती हैं और आप फिर नए पौधे बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा सीडलिंग से ही तैयार हुआ है ये सारा प्लांट। ये भी एक देखिए रोजी ब्रांड का है, इसमें भी फलियां निकली, पहली बार मुझे मिली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करिएगा। थैंक यू।